मॉर्निंग बच्चों, सो अगेन इट्स टाइम फॉर योर म्यूज़िक क्लास एंड यू ऑल नो हाउ वी स्टार्ट आवर क्लास. वी विल स्टार्ट आवर क्लास विद एज वी ऑलवेज डू विद सरस्वती वंदना. सो बट दिस टाइम यू डोंट हैव टू क्लोज योर आइज एंड वॉट यू हैव टू डू You should read what is written on the screen. You have to hear what I am singing and you have to sing with me reading the lyrics of Saraswati Vandana at the same time. In this way you can sing Saraswati Vandana without any mistake. Okay, so आप आज आप लोग आंखें बंद नहीं करेंगे और सरस्वती वंदना स्क्रीन पे जो लिखी हुई है इसको पढ़ पढ़ करके मेरे साथ गाएंगे. ठीक है, बस आप लोग अपने हाथ जोड़ेंगे, आईज क्लोज नहीं करेंगे, पूरे मन से सरस्वती वंदना पढ़ते हुए मेरे साथ गाते जाएंगे जिससे आप कि मिस्टेक्स सरस्वती वंदना में नहीं हो गाते समय. सो लेट्स स्टार्ट. वी स्टार्ट आवर सरस्वती वंदना नाउ. 1 2 3 या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा भगवती निःशेष जाड्या पहा भगवती निःशेष जाड्या पहा. बच्चों लास्ट टाइम हमने आपको क्लासिकल म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक का डिफरेंस बताया था. आज और कुछ अलंकार की प्रैक्टिस आपको कराई थी टू इम्प्रूव योर सिंगिंग. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अच्छा हम अपना लेसन स्टार्ट करें इसके बाद आप एक बार ध्यान देंगे कि देखिए ये आपको एक साउंड सुनाई दे रही है तो ये तानपुरा ही अभी बज रहा है और इसके साथ साथ अभी हमने सरस्वती वंदना और आपने भी गाई है तो ये है तानपुरा का जो कहना चाहिए कैसे हम लोग तानपुरे के साथ गाते हैं. इसका ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि तानपुरे के जो स्ट्रिंग्स हैं वो बजते रहते हैं, उसमें स्वर बोलते हैं और उसका बेस लेकर के हम लोग अपनी सिंगिंग करते हैं. अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सप्तक. आपको सामने स्क्रीन पे सप्तक सबसे ऊपर लिखा दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आप लोग देखेंगे कि एक लाइन में कुछ स्वर लिखे हैं
और उसके नीचे लिखा हुआ है सप्तक इज इक्वल टू 7 स्वरों का समूह। तो जैसे कि क्लियर है, सप्तक किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 7 स्वर्स, 7 स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। अब जो आपने, जो हम लोग यूजुअली जो सारेगामा पधनी से गाते हैं, सारेगामा पधनी, वो हम लोग एक बड़े कंफर्टेबल वॉइस में गा रहे हैं, है ना। उसमें हम लोगों को अपनी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ गई है। अब मैंने ये अभी आपके सामने गाया, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये हमने किस में गाया? ये एक अपनी बड़ी कंफर्टेबल वॉइस में गाया है। और ये जो सप्तक है, ये मध्य सप्तक, इसीलिए मतलब इस इन ये हम आगे जो मध्य सप्तक के स्वर हैं, हमने इसमें गाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगाई है। आप इसमें ये देखेंगे कि सारेगामा पधनी सा, ये नीचे का सा है एक और एक ऊपर का सा है। तो ये जो हमारा ऊपर का सा है, दूसरा वाला जो सा है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ऊपर का सा है, और सारेगामा पधनी ये मध्य सप्तक के स्वर कहलाते हैं। मध्य मतलब बीच का, जहाँ पे वो स्वर जो हम अपने कंफर्टेबल वॉइस में गा रहे हैं वो मध्य सप्तक कहलाता है। इसीलिए मध्य सप्तक को हम लोग बीच में कंसिडर करते हैं, सेंटर में। मध्य मतलब सेंटर, जो स्वर हम लोग एक कंफर्टेबल वॉइस में अपनी गा रहे हैं वो मध्य सप्तक के स्वर कहलाते हैं। अब आप उसके मध्य सप्तक के जब आप लेफ्ट में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मंद्र सप्तक, और उसमें जो स्वर लिखे हैं उसके नीचे आप देखेंगे कि छोटी छोटी डॉट्स लगी हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मध्य सप्तक के बाद जब हम लोग मध्य सप्तक से वही स्वर उससे दुगने नीचे गाते हैं या बजाते हैं तो वो मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक के स्वर कहलाते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे गए, अभी हमने गाया, जब मध्य सप्तक के स्वर गाए थे तब हमने गाए थे सा रे गा मा पा धा नी, ये हमने मध्य सप्तक के स्वर गाए थे। अब हम मंद्र सप्तक के स्वर आपको गा करके बता रहे हैं, सा नी धा पा मा गा, ये मंद्र सप्तक हुआ। ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं, क्योंकि हमने जो हमने स्वर मध्य सप्तक में गाए थे उससे जस्ट नीचे उन स्वरों को गाया है, तो ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। अब एक थर्ड सप्तक है जो आप राइट हैंड साइड में लिखा हुआ देखेंगे, तार सप्तक। तार सप्तक के स्वर वो होते हैं जो हम मध्य सप्तक के जो स्वर है उनको जब हम जस्ट डबल ऊंचा गाते हैं तो वो तार सप्तक के स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने गाया मध्य सप्तक में, हमने गाया था सा रे गा मा पा धा नी, अब हम तार सप्तक के स्वर गाएंगे तो कैसे गाएंगे? सा रे गा, ये तार सप्तक के स्वर है। तो जब हम लोग सिंगिंग करते हैं तो हमको तीनों सप्तकों के स्वर गाते हैं हम लोग। कुछ मंद्र सप्तक के नोट्स होते हैं, नोट्स मतलब स्वर, कुछ मध्य सप्तक के और कुछ तार सप्तक के। इस तरह से तीनों सप्तकों के स्वर जब गायन होता है या गाना आप लोग गाते हैं, लाइट म्यूज़िक या क्लासिकल म्यूज़िक कुछ भी, तो वो तीनों सप्तकों में आप लोग गाते हैं। तो ये हुआ सप्तक जिसका
मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा ये सप्तक क्या है। सप्तक फिर से एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं। सप्तक मतलब सात स्वरों का समूह। अब इसमें एक बात और है बच्चों कि हमने आपको कुछ कोमल और तीव्र स्वर भी बताए थे, तो जिसको मिला करके सात से बारह स्वर बन जाते हैं वो हमने आपको बताया था। तो होते तो ये सात स्वर ही हैं आपके, षडस ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, जो अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। षडस ऋषभ मध्यम गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद सारेगामा पधनी। लेकिन इसमें से कुछ स्वरों के कोमल फॉर्म भी होते हैं और कुछ तीव्र स्वर भी बनते हैं, वो हमने आपको बताए थे। आप लोग भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा रिवाइज करा देंगे। तो इस तरह से जब ये सात स्वर, जब इनके कोमल और तीव्र फॉर्म भी आपस में मिलते हैं हो जाते हैं, तो ये बारह स्वर बन जाते हैं। मतलब एक सप्तक में षडस ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, ये सात स्वर ही स्वर तो ये सात ही हैं, लेकिन एक सप्तक में क्योंकि इनके कोमल और तीव्र स्वरूप भी होते हैं तो ये बारह स्वर होते हैं एक सप्तक में। आप इसमें अभी कंफ्यूज नहीं हो, वो हम आपको और क्लियर कर देंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करें कि एक सप्तक, सप्तक यानी सात स्वरों का समूह, तो एक सप्तक में हमारे कितने स्वर हो गए? सात स्वर सारेगामा पधनी। और सप्तक तीन होते हैं, मध्य सप्तक, मंत्र सप्तक और तार सप्तक। मध्य सप्तक मतलब जो स्वर हम कंफर्टेबल अपनी वॉइस में गाते हैं वो मध्य सप्तक, मंत्र सप्तक जो स्वर हम लोग मध्य सप्तक के जो स्वर ठीक दुगने नीचे गाए जाते हैं वो मंत्र सप्तक या बजाए जाते हैं कुछ भी, और तार सप्तक मतलब वो स्वर जो आप मध्य सप्तक के जस्ट दुगने ऊंचे गाते या बजाते हैं, तो वो सप्तक कहलाता है तार सप्तक। अब मान लिया आप बेटा जैसे आप लोग इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो आपको इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज होती है वो आप किसी बुक पे लिखा हुआ देखते हैं तो आपको वो स्टोरी पढ़ने में या वो चीज़ पढ़ने में आती है, क्योंकि आपको वो लेटर्स पता हैं कि जैसे ए डबल पी एल ई एप्पल बनेगा तो आपको पता है वो एप्पल है ना, तो आपको क्लियर होता है कि आपसे क्या कहा जा रहा है उस स्टोरी में, या जो आपका जो कुछ भी आपका लेसन है वो उसमें आपको क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यू कैन रीड इंग्लिश यू कैन रीड हिंदी, तो आपको समझ में आता है कि आपसे आपकी वो कंटेंट क्या है आपकी बुक में। ऐसे ही म्यूज़िक समझने के लिए लैंग्वेज होती है। अब बुक्स लिखी गई हैं म्यूज़िक में, ऐसे तो हम आपको बता रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोई स्वर नी लिखा हो किसी बुक में और उसके नीचे डॉट लगी हो, या ध लिखा हो और उसके नीचे डॉट लगी हो, तो आप और एक जगह आप लिखा हुआ देखें कि नी ध में डॉट नहीं है, और एक जगह आप लिखा हुआ देखें कि नी ध के ऊपर डॉट है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि एक में नीचे डॉट है, एक में डॉट नहीं है, एक में ऊपर डॉट है। या आप कुछ गाना बजा रहे हैं तो आप कहाँ बजाएंगे, नी ध तीन जगह लिखा हुआ है। तो ये डॉट्स का ये मतलब है, ये मीनिंग है कि अगर किसी स्वर के नीचे डॉट लगा हुआ है, जैसे आप सामने स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि स्वर के नीचे डॉट है, तो इसका मतलब है कि वो मंत्र सप्तक के स्वर हैं और आपको वो स्वर मंत्र सप्तक में गाने हैं। या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो आपको वो स्वर मंत्र सप्तक में बजाने हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में मंत्र मध्य तार तीनों सप्तकों की अलग अलग स्पेस होती है, तो आपको वो स्वर वहाँ पे बजाने होते हैं। अब आपको लिखा हुआ है कि उसके नीचे डॉट है तो आपको क्लियर हो गया
कि ये स्वर मंद्र सप्तक का है और हमें वहीं बजाना है, मध्य सप्तक में नहीं बजाना। अगर किसी में डॉट नहीं है तो आपको क्लियर है कि वो आपको स्वर मध्य सप्तक में बजाना है, और अगर किसी स्वर के ऊपर डॉट है तो आप वो स्वर कहाँ बजाएंगे, तार सप्तक में बजाएंगे, मतलब आपको वो स्वर वहीं गाने या बजाने हैं। तो इन ये एक नोटेशन सिस्टम होता है म्यूज़िक में, इसको हिंदी में स्वर लिपि पद्धति भी बोला जाता है। स्वर लिपि, लिपि मतलब लिखना, स्वरों को लिखना, पद्धति मतलब उसका तरीका। स्वर लिपि पद्धति यानी स्वरों को लिखने का तरीका। तो एक इसकी पूरी लैंग्वेज है म्यूज़िक की। तो ये एक सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जब किसी स्वर के नीचे बिंदी लगी होती है तो वो स्वर हम लोग मंत्र सप्तक के स्वर होते हैं, उसको मंत्र सप्तक में गाते या बजाते हैं, जैसे आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर किसी स्वर के नीचे कोई ऊपर या नीचे कोई बिंदी नहीं होती तो वो मध्य सप्तक के स्वर होते हैं, मतलब उसको मध्य सप्तक में गाते या बजाते हैं। और अगर किसी स्वर में ऊपर बिंदी लगी होती है तो वो तार सप्तक के स्वर होते हैं और उसको तार सप्तक में गाते या बजाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो आपको सात स्वर स्क्रीन में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको अच्छे से, आपको अगर अभी तक लर्न नहीं हुए हों तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। षड्श ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, ये आपके सात स्वर हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे सात स्वरों का क्या नाम है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि सा यानी षड्श, हमने आपको षड्श लगाना या सा लगाना बताया था, और हमने आपको ये भी बताया था कि जब तक आपका सा नहीं लगेगा तब तक बाकी के स्वर भी आप कभी भी अच्छा नहीं गा सकते हैं। तो और हमने आपको ये भी बताया था कि सा ओम ये एक ही चीज़ है, और ओम का सिर्फ रिलीजियस आस्पेक्ट ही नहीं बल्कि इसको ओम बोलने से आपकी लंग्स कैपेसिटी इम्प्रूव होती है और आप का जो सा की पावर है वो भी इंक्रीज होती है। तो आप, और जब तक अगर आपका सा अच्छा लग रहा है तो बाकी आपके स्वर तो अच्छे फिर हो ही जाएंगे। तो इसीलिए ओम को नाद ब्रह्म या स्वर को नाद ब्रह्म भी कहा गया है। नाद मतलब आवाज, ब्रह्म परमात्मा, जो भी आप ईश्वर या सर्वशक्तिमान जो जिस रूप में भी आप उसको मानते हैं, तो स्वर नाद ब्रह्म है। यानी स्वर जब आप साधना करते हैं या स्वर जब आप लगाते हैं तो वो आपको ईश्वर से के करीब ले जाता है। इसका क्या मतलब है कि आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर जब आप म्यूज़िक से रिलेट होते हैं या जब आप कोई भी संगीत की साधना करते हैं या संगीत गाते हैं तो आप उससे बड़ी आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपकी नेगेटिविटी भाग जाती है। तो आपको लास्ट टाइम हमने कुछ अलंकारों की प्रैक्टिस भी कराई थी। इसमें देखिए आप एक चीज़ बेटा ध्यान देंगे अलंकार में कि इसमें कहीं पर भी किसी भी अलंकार में कोई भी बिंदी नहीं लगी है, बस लास्ट वाले सा पे लगती है आरोह में और अवरोह में फर्स्ट सा में लगती है ऊपर बिंदी, क्योंकि वो तार सप्तक का सा होता है, बाकी और कहीं भी कोई बिंदी नहीं होती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो हम लोग अलंकारों की अभी शुरू में प्रैक्टिस करते हैं वो
मध्य सप्तक में करते हैं। आगे जाकर के कुछ अलंकार मंत्र सप्तक के भी होते हैं, तार सप्तक के भी होते हैं, लेकिन प्रारंभ में हम लोग अलंकारों की प्रैक्टिस मध्य सप्तक में धीरे धीरे करते हैं। तो आज हम लोग पहले उसी का एक बार रिविजन करेंगे। और सबसे पहले जैसा हमने बताया था कि सा से शुरुआत करते हैं, और सा ऐसा नहीं है कि हमने आपको उस दिन भी बताया था कि आप एक दिन लगा करके छोड़ दें। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, आपको सा की डेली प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू आर अ सिंगर, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दिन लगा करके और बस अब आप कहें कि आ गया म्यूज़िक में, आ गया, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं होती। यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, यू हैव टू पॉलिश योर सेल्फ डेली। और जितने भी गायक हैं वो डेली सा गाते ही गाते हैं या डेली सा लगाते ही लगाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कलाकार हो जाए, चाहे उसको कितने भी ईयर्स गाते हुए हो जाएं, बट ही और शी हैज़ टू प्रैक्टिस डेली सा। सा की तो डेली प्रैक्टिस करनी ही है। तो हम लोग भी अपने गायन की शुरुआत पहले सा से ही कर रहे हैं। आप एक बार मैं बोलूँगी, पीछे पीछे आप बोलिएगा। सबसे पहले सा हम लोग ओम इससे ही बोलेंगे। हमने आपको बताया था ओम ऐसे नहीं बोलते हैं। ओम ओम तीन वर्णों से मिलकर के बना है, आ ओ और म, तो बोलते भी उसको ऐसे ही हैं। इसके बाद सा को हम लोग कैसे आकार में बोलेंगे।
अब हम लोग अपना फर्स्ट अलंकार लेंगे। वन टू थ्री स्टार्ट। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। नेक्स्ट सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा 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 पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अब आपको आज ये नया अलंकार सिखा रहे हैं, इसको पहले एक बार बोल लीजिए आप। सा रे रे ग, आप थर्ड नंबर पे देखेंगे, सबसे नीचे देखिए इस स्क्रीन पे। सा रे रे ग ग म मा प प ध ध नी नी सा। अवरो सा नी नी ध ध प पा मा मा ग ग रे रे सा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सा रे रे ग, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, आपको मेरे पीछे गाना है। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग द सेम अलंकार। सा रे रे ग ग मा मा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा
गारे रे सा। अब हम लोग इससे अगला नेक्स्ट जो अलंकार है वो ले गए। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको पहले बोल लीजिए एक बार। सारे स रे ग रे ग म ग मा प म प ध प ध नि ध नि सा नि सारे स सारे स नीसा नी धनी ध प ध प मा प म ग म ग रे ग रे सारे स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 स्टार्ट। सारे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा नि सा रे सा सा रे सा नि सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा रे सा। वेरी गुड। अब आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है डायग्राम, तो इसके बारे में हमने आपको पहले बताया हुआ है लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर देंगे, लेकिन आज अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। अभी आपका ये होमवर्क है कि आप लोग ये जो मैंने अलंकार बोले हैं और सा की आपको अभी प्रैक्टिस कराई है, पहले सा की प्रैक्टिस और फिर ये अलंकार, तो आपका ये होमवर्क है कि आपको ये वीडियो बैक करना है एटलीस्ट 5 times। और चलिए अगर 5 ज़्यादा है तो 3 times। ओके, आपको 3 times ये वीडियो रिपीट बैक करना है और उसके साथ साथ आपको ये अलंकार 3 times और सा गाना है। ये आज आप ये आपका आज होमवर्क है और इसके साथ ही अब मैं क्लास ये स्टॉप कर रही हूँ एंड आई विश यू अ वेरी म्यूजिकल वेरी लवली डे फॉर यू। और आप लोग खूब अच्छे से रहें, सेफ रहें। गुड बाय।